हेलो एवरीवन, आज हम एमएससी सेम 2 के पेपर 6 का यूनिट 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोगरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टार इफेक्ट। द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई स्टार्क, हु ऑब्जर्व द स्प्लिटिंग ऑफ बामर लाइन्स। दिस फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाई स्पेक्ट्रा ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ए वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पर सेंटीमीटर इज नीडेड टू सी दिस इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व मच लेटर देन ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ज़ीमान इफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जबकि हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। लीनियर स्टार इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। We shall consider the first order change in energy levels of hydrogen atom due to an extended electric field of strength F directed along Z axis, which is known as Stark effect. The Schrodinger wave equation is given by del square psi plus 2m h cross square E plus Z E square 4 pi epsilon 0 R square minus E F psi is equal to 0. The unperturbed Hamiltonian for hydrogen is given by H0 is equal to H cross square 2m upon into psi square Z e square upon 4 pi epsilon 0 R equation number 2. The perturbation H dash, which is extra energy of the nucleus and electrons due to extended field F, is given by lambda H1 is equal to E Fz is equal to E Fr cos theta, or lambda is equal to EF and H1 is equal to R cos theta. और अब अगर हम हैमिल्टोनियन की वैल्यू लिखते हैं जो कि हाइड्रोजन वेव फंक्शंस के टर्म्स में लिखें हम, तो लिखेंगे एच एन एल एम एन डैश एल डैश एम डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एन एल एम स्टार आर कॉस थीटा साई एन डैश एल डैश एम डैश आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई गिवन बाई इक्वेशन 4, वेयर psi n l m आर द हाइड्रोजन वेव फंक्शंस। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर जनरल स्टेट n इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 0। सिंस इन हाइड्रोजन द वेव फंक्शन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड हैज़ द सेम फॉर्म फॉर ऑल द ओरिएंटेशंस ऑफ द पोलर एक्सिस, देयरफॉर देयर इज नो डिजेनरेसी। द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी इज लैम्डा एच 1001100 इज इक्वल टू ई एफ इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा 1 अपॉन पाई ए जीरो क्यूब ई टू द पावर माइनस 2 आर ए अपॉन ए जीरो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई बिकॉज साई 1001 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई ए जीरो क्यूब ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए जीरो वेयर ए जीरो इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज जीरो दस वी सी दैट फॉर ग्राउंड स्टेट देर इज नो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। लेट अस कंसिडर द एक्साइटेड स्टेट दैट इज एन इक्वल टू 2 फॉर हाइड्रोजन एटम। सिंस एन इक्वल टू 2 देर फॉर एल इज इक्वल टू 0 एंड 1 एंड एन इज इक्वल टू 1 0 एंड माइनस 1 एंड हैंस क्वांटम नंबर एल एंड एम हैव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस 0 0 1 0 1 1 एंड 1 एंड माइनस 1। द वेव फंक्शंस हैव द फोरफोल्ड डिजेनरेसी साई 200 साई 211 साई 210 साई 21 माइनस 1 ऑल हैव द सेम एनर्जी ई टू। द सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई दिस इक्वेशन नंबर 6। द मैट्रिक्स एलिमेंट बाई मे बी इवेल्युएटेड इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। We know that psi 200 is equal to 1 upon 4 under root of 2 pi 1 upon a 0 3 by 2 2 minus r upon a 0 e to the power minus r upon 2 a 0. Psi of 210 is equal to 1 upon 4 under root of 2 pi 1 upon a 0 3 by 2 r upon a 0 e to the power minus r upon 2 a 0 cos theta, or h 2101200 is equal to 1 upon 2 pi 1 upon a 0 integration r upon a 0 2 minus r upon a 0 e to the power minus r upon a 0 cos theta r cos theta r square sin theta d phi। इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
H2002100 फर्स्ट पर्टर्बेशन के लिए -3H(cross)²(mz²)4πε₀ ऑल अदर मैट्रिक्स एलिमेंट्स टर्न आउट टू बी ज़ीरो. इक्वेशन 6 दस बिकम्स इस तरह से आ गई, बाकी सबकी वैल्यू ज़ीरो कर दी. इक्वेशन 7 हैव फोर रूट्स दैट इज E₁ (0, 0) + 0 and -0 λ(E₁ (0, 0) 3f(h)²(mz²)4πε₀ - 3f(h)²(mz²)4πε₀. इक्वेशन नंबर 9. द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट इन इक्वेशन 9 एग्री विद द रिजल्ट ऑब्टेंड फॉर स्टेट n=2 क्लासिकल रिजल्ट. द चेंज इन एनर्जी गिवन बाय इक्वेशन 9 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर गिव्स राइज टू ए टर्म शिफ्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² सेंटीमीटर -1 विच इज लार्ज इन कंपेरिजन विद द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग विच इज -2.35 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर n=2 लेवल फॉर हाइड्रोजन. दस इट इज सीन दैट इन फेयरली मॉडेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडीशन ऑफ द लीनियर स्टार इफेक्ट इज शिफ्टेड. द स्टार स्प्लिटिंग इज लार्ज कंपेयर्ड विद द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ अपोजिट पैरिटी. फर्दर मोर द फोर रूट्स ऑफ इक्वेशन 7 इम्प्लाई दैट इन गिवन अप्रोक्सीमेशन द टू स्टेट ψ₂₁₁ and ψ₂₁₁ - 1 आर नॉट शिफ्टेड. द रिमेनिंग टू स्टेट्स आर ψ+(1/√2) ψ₂₀₀ - ψ₂₁₀ ψ₁ -3f(h)²(mz²)=3ea₀f. सिमिलरली ψ-1 अपोजिट पैरिटी का वेव फंक्शन दोनों, तो 1/√2 ψ₂₂₀ - ψ₂₁₀ विच इज इक्वल टू ψ₁. और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी प्लस की जगह माइनस, सिर्फ -3ea₀f बिकॉज दे आर इन अपोजिट इन पैरिटी. द फंक्शन ψ+ कॉरस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रॉन चेंज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हूज सेंटर ऑफ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्प्लेस्ड बाई द अमाउंट 3a₀ अलॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन while कन्वर्स इट थ्रू फॉर इक्वेशन ψ₀ एज ए रिजल्ट ऑफ लीनियर स्टार इफेक्ट डीजनरेसी इन l इज रिमूव्ड. इट इज इंटरेस्टेड दैट व्हेन स्टेट्स ऑफ अपोजिट पैरिटी आर डीजनरेट और ऑलमोस्ट डीजनरेट लीनियर स्टार इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. In this case, the energy of the splitted level is +3ea₀f. Hence, the behavior of hydrogen atom in first excited state n=2 is like a permanent electric dipole moment of magnitude 3ea₀, which can be oriented in three ways. तो ये तीनों हो सकते हैं, कौन कौन से ways हो सकते हैं. First, one state parallel to the extended electric field, one state anti-parallel to the extended electric field and third two states perpendicular to the extended electric field. अब हम कल second order star effect